लिख रहा है पता क्या बात कर रहे हैं। हो गया आज के लिए, आज के लिए बहुत है, अगली बार अच्छे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है साल का पहला दिन, और साल का पहला दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेरी मॉम बोलती है कि जो जो तुम पहले दिन करोगे तुम्हारे साथ वही वही होगा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो मैंने डिसाइड करके रखा कि सिर्फ आज अच्छी चीज़ें करूँगा जिससे मेरे साथ इन फ्यूचर अच्छी चीज़ें ही हो, बिकॉज ये साल उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट कमिंग जो अभी जो आ गया साल, अभी भी आदत वही है कि मैं 2020 में ही बात कर रहा हूँ, तो अभी जो हमारा नया साल आ गया है तो इसमें मैं बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें करना चाहता हूँ, इसलिए आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो जब मैं डे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कार्डियो करता हूँ, और मैं साल भर कार्डियो करना चाहता हूँ मॉर्निंग में, तो मैं जाके कार्डियो कर लेता हूँ। सो कार्डियो तो हो गया और पसीना नहीं आया बिकॉज ठंडी का मौसम है, और अभी जाके काया से मिलते हैं कि काया क्या कर रही है, और फिर रेडी हो गया फटाफट स्टोर पे जाना है। आज तो जिम बंद है बट मैं वर्कआउट ज़रूर करूँगा शाम को, नहीं तो आज नहीं किया तो साल भर फिर वर्कआउट नहीं होगा, तो वर्कआउट भी करूँगा। अरे कायो तुम क्या कर रही हो, मोबाइल देख रही हो, तुमको पता है क्या आज कुछ बदमाशी मत करना। क्यों? आज अगर तुमको मार पड़ी तो साल भर मार खाना पड़ेगा, समझा गया? करोगे क्या बदमाशी आज? आज एकदम अच्छे से रहना, तुम अच्छे अच्छे काम करो, पता है क्या, सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करो। हैप्पी न्यू ईयर। और तुमने क्या किया कल रात को? पिज़्ज़ा खाया और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया, सो गई क्या? पार्टी वार्टी नहीं मनाया तुमने? नहीं। क्यों? नया कोरोना फैल रहा है। अच्छा कोरोना, नहीं तो कैसे क्लब में जाके डांस करती कैसे? आता क्या तुमको डांस करना? नहीं। अरे वो बंद करो, इधर बात करो तुमको। और सुनो सुनो, आज नम्मी क्या बोली पता है क्या? क्या? जैसे आज तुम अगर कुछ भी बदमाशी करोगी ना, ठीक है, तो तुमको साल, जैसे आज अगर पिटाई हो गई तो साल भर पिटाई होगी, इसलिए अच्छे से रहना। ओके ओके ओके, अब मेरे साथ अच्छे से रहोगे? चलो सबको फ्लाइंग किस दो, चलो बाय। सो जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा रोज के रोज मेडिटेशन करता हूँ, तो आज भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी कार्डियो कर लिया है, यूजुअली मैं रात को करता हूँ, लेकिन आज का डे यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अभी मेडिटेशन करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं रेडी हो गया हूँ और अभी स्टोर जाना है, बिकॉज आज स्टोर जाएंगे तो साल भर स्टोर जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि आज जो जो चीज़ें आप करेंगे तो साल भर वैसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। तो चलते हैं स्टोर पे, और बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी है आज। ऑलराइट गाइस, सो मैं उस दिन एक ऐड देखा इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा वो चीज़ मंगानी चाहिए, तो फाइनली आ गया एक बार पंकज नीचे घर। और आप लोगों को भी अगर खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है तो ये देसी पॉप्स करके निकला हुआ है, तो इसमें क्या है, कच्चा आम है। पंकज सर को खाना है कि? पंकज खाना है क्या? तो इसमें क्या, छोटे छोटे ऐसे लॉलीपॉप जैसे लॉली स्टिक्स है, और एक बार आपको खा के बताता हूँ, रुकना देता हूँ खाने दे मेरे को पहले। अरे समझ गया मैं क्या है। अरे अब तो आ रहे जेब में जेब में जेब में। अरे यार जल्दी निकल जल्दी निकल। अरे यार देखो भाई साहब मजा, खट्टा खट्टा एकदम मजा आ गया खाने में। बचपन की इमली की चॉकलेट। हाँ इमली है, लेकिन ये आम वाला मंगा है मैंने, इमली भी मिलती है इसमें, मजा आ गया। ऑलराइट गाइस, सो विनू एज यूजुअल लेट है, तेरे को पता है क्या कि न्यू ईयर के दिन जो तू करेगा पहले दिन साल भर तू वैसे ही करेगा, मतलब तू साल भर लेट आना चाहता है, ऐसा है क्या? और आज तो कुछ ज्यादा ही लेट आया, तू कर क्या रहा था, कहाँ पर था तू रात भर? एस्प्रेसो शॉट मारा, घर गया, सो गया। सो गया क्या? गुड बॉय यार, तो इतना लेट क्यों उठा? और ये तू हाथ कहाँ डाल रहा है, हाथ कहाँ डाल रहा है, जल्दी बता जल्दी, कैसी चीज है बताइए? सेक्स सेक्स एकदम खाके बता कैसा है, एक नंबर। क्या रैपिंग है इसकी? अरे एक नंबर एक नंबर एक नंबर। और ये खाके तो मुझे स्वाद आ गया, तेरे को आ गया? ये तो वो है, क्या बोलते हैं अपना, बचपन में जो खाते थे। हां बच्ची वाली, इसीलिए तो मैंने लाया, इमली खाते थे। हां यार मजा आ रहा है देख के, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। अबे काट के खाना, काट के खा, चूसेगा तो एक घंटा लगेगा, क्या था? हां मजा आएगा, स्वाद आ गया, मजा आ रहा है यार। कौन फोन कर रहा है भाई, कौन फोन कर रहा है मेरे को, रुक जा, मजा आएगा। विनू अबे तू इधर तो देख यार, आज न्यू ईयर है लेकिन अपना जिम बंद है, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। कितना भी सैनिटाइजर यूज कर ले तेरा, कोविड तो ऑलरेडी हो चुका है,
ठीक है। तो अपन अभी कहाँ वर्कआउट करने जाएंगे बताइए, जहाँ पर अपन रोज फोटो खिंचाने जाते हैं वहाँ पर वर्कआउट का बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, तो आज जाके तवाई मचाएंगे भाई वहाँ पर जम के एकदम जाके वर्कआउट करने वाले। तो चलो ट्रैफिक पार्क, लेकिन ऐसे कपड़ों में, जीन्स में और ब्रो ये अपने चलसी बूट में थोड़ी वर्कआउट होगा, अपन जाएंगे एकदम ट्रैक व्रैक पहन के, ठीक है चलते हैं। आप पहनो, तू नहीं करेगा मैं आपको साल भर भी वर्कआउट नहीं करेगा तू? नहीं, पहले दिन जो चीज नहीं करना है वो पूरे साल भर भी नहीं करना, तुम्हारे तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। नो, ठीक है तो चलो वर्कआउट करते हैं। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, सो मैं रेडी हो गया हूं जिम जाने के लिए, घर को ही जिम में जाएंगे। ऑलरेडी ट्रैफिक बोल चुके, फिर से क्यों बोल रहा है? तू साले इतना भयंकर गाली देते रहता है, तो इसलिए। तो अगर आपको फिटनेस मेंटेन करना है तो जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। आई नो बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि जिम जाएंगे, मेंबरशिप भी ले लेते हैं लेकिन जिम नहीं जाते हैं, इसलिए स्टार्ट करिए कि ऐसे पार्क वॉक में जाकर पहले वर्कआउट करिए और आपको लगे कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं तब जाके जिम ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आजकल जिम की फीस बहुत ज्यादा हो गई यार, 20-25 हज़ार रुपये फीस हो गया साल का, बहुत ज्यादा हो जाता है। बस 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 क्या, तो अपने ट्रैफिक पार्क में जाते हैं और अच्छे से वर्कआउट वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा पंप करते हैं यार। दिख रही है बॉडी? दिख रही है, 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 दिख रही है। नहीं 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 जाएंगे तो ये भी नहीं बचेगी, ऐसा भी होता है। यस बाबा यस, जो डब्बे खाते हैं प्रोटीन के उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन खा के अगर बॉडी बनती तो कोई भी रईस आदमी की बॉडी रहती ना, सिक्स पैक रहता, पेट थोड़ी रहता। तू जैसे तू इतना रईस है फिर भी तेरा पेट है ना, इसलिए तो सेठ बोलते हैं। yeah, जिसका पेट है वो सेठ है, तो तेरे को सेठी बन के ही रह तू। कर दिया अपनी ये में सबको ले लेके, पता है कि आप लोगों को जब से ट्रैफिक पार्क में हम लोग आते थे सिर्फ मैं और वीनू दिखते थे, लेकिन आज एकदम खचाखच भरा हुआ है। आई गेस सबको वर्कआउट करने का यहाँ पर सीन स्टार्ट हो गया है ना वीनू, तेरे को भी लग रहा है। तो अभी चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, मैंने इतनी भीड़ ट्रैफिक पार्क में कभी नहीं देखी है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं पूरा खचाखच भरा हुआ है और गाड़ियां, आज पार्किंग की भी जगह नहीं थी क्या? देख सब लोग आज मोटिवेट हो गए और वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन तू क्यों नहीं कर रहा भाई? तू भी तो बोला था कि आज मैं ट्रैक व्रैक में आऊंगा। ट्रैक में नहीं आया तो क्या हुआ, वर्कआउट तो कर सकते। अच्छा, करेगा क्या? बताया नहीं था कैमरा आपके गिम्बल हो ना हो, अच्छे गिम्बल का 360 ले सकते हैं। मतलब जज्बा जज्बा होना चाहिए क्यों? तो तेरा जज्बा अंदर, अबे पुप्पू की राइड भी कर लेते फिर तो। ओए ऐसा मत बोलो, ए साले पुप्पू को सीख लिया अभी और अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, अभी नया अभी वेब बोर्डिंग सीखना तेरे को क्या? आप स्टंट मारने नहीं दे रहे पुप्पू से? अरे वो स्टंट के लिए है ही नहीं मेरा भाई, कुछ भी हो एक बार ट्राई करने में क्या सीखतोगे? अरे टूटेगा क्या मेरा स्केटबोर्ड इतना प्यार से वाला है? तोड़ेंगे टूटेगा तो। आ गया हमारा जिम, ओपन जिम, और ओपन जिम में वर्कआउट करने में अलग ही मजा आता है। यस, तो चलते जल्दी से वर्कआउट करते हैं। नहीं ला ऑल राइट, तो यहाँ पर वर्कआउट करना के लिए बहुत सारी चीजें छूनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि ग्लव्स लेके आओ, सेफ्टी मेंटेन करना आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी है। तो अपने लिए लेके आए क्या? सर मेरे लिए नहीं। हाँ तो एक तू पहने एक मैं पहनता हूँ। इससे कैसे वर्कआउट होएगा? अबे तो तू वर्कआउट करने वाला है क्या? बढ़िया बन डन के आया, अभी कॉफी वॉफी पीने जाएगा तू, तो मैं तेरे को परेशान नहीं करना चाहता। तू बस मेरा सिनेमैटिक विनेमैटिक ले ले थोड़ा सा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तू सिनेमैटिक अच्छा लेता है। क्या बात कर रहा है, जो भी बोलता है गलत बोलता है। गलत बोलता है क्या? अरे इसी बात पर तू समझ गया कि मैं तेरे को चढ़ा रहा हूँ ताकि तू मेरा काम कर दे। ठीक है, तेरे को मैंने आज सिनेमैटिक ले लिया तो पूरे साल भर सुनता हूँ। तू समझ गया मैं तेरे को चढ़ा रहा हूँ, तो मैं रेडी हो गया हूँ। तो पहले जाके थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, और ये इलिप्टिकल टाइप का कुछ तो भी दिख रहा है, ये इलिप्टिकल टाइप का दिख रहा है, और इलिप्टिकल जैसे ही बढ़िया इस पर करेंगे तो पतले हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तू रोज किया अगर इस पर? मैं तो कभी ना करूं। क्यों? No way. ये साइड्स के लिए है, साइड पैड इससे बंद होगा। बाजू में तो रैबिट को बैठा के रखे आपने। अरे बाजू में वो रैबिट के अंदर ही ये वाला ग्लव्स फेंकेंगे। अरे यार सही में साइड्स में बढ़िया वो वर्कआउट। विनो तू क्या कर रहे, तेरा साइड से एकदम कमर 25 का हो जाएगा, तेरा 26 की कमर हो जाएगी। अरे बढ़िया मजा आ रहा है, पता है ये वर्कआउट जैसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा सीसो। मेरे को डर लग रहा है टूट टाड़ गया तो मैं गिरने वाला हूँ, फिर ब्लॉक बंद हो जाएंगे एनीवे 4-5 दिन। चलो बताओ आप कमेंट सेक्शन में एनीवे को गिरना चाहिए? नहीं 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 गिरना चाहिए भैया, मैं तेरे जैसा रिस्क नहीं ले सकता। अबे डर लग रहा है, इस पर चढ़ने में डर लग रहा है। ओ, अच्छा ये मेरे ख्याल से ट्रेडमिल टाइप का है, रनिंग है रनिंग। ओ चिक 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 चिक, अरे बढ़िया वर्कआउट है यार ये तो। ये फ्लाई लैप्स है, फ्लाई लैप। अरे फ्री में बढ़िया हो जा रहा है वर्कआउट, है ना, जिम जाने की जरूरत नहीं। और मेरा न्यू ईयर में मेरी वर्कआउट तो हो ही रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. अबे ये मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए आएगा आर्म्स के लिए नहीं ना ये मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है ना इससे क्या होगा मतलब हाथ घुमा रहा है ना तू मोबिलिटी अच्छी रहती है ये वार्म अप के लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यार जो जो इक्विपमेंट है ना ये सीखने में टाइम लग जाएगा अभी देखिए साथ से बढ़िया बॉडी बन जाएगी ऐसे तो यस तू रोज आया कर यहाँ पर तो मैं रोज नहीं आऊँगा तू आता नहीं है किस में पैर रखी है रुक जा समझ में ही नहीं आ रहा आई गेस यहीं पर पैर रखना पड़ेगा ओ ये चेस्ट में प्रेशर तो नहीं आ रहा आ रहा है ना आ रहा है क्या चेस्ट दिख रही है क्या क्या बात कर रहा चेस्ट पर दो साल लगेंगे इसमें दो साल लगेंगे ऐसे बनाने में माय गॉड यहाँ पे वर्कआउट करोगे ना दो मिनट नहीं लगेंगे आपकी बॉडी करने में हाँ ये ऐसे ही लग रहा है मतलब मेरे लेवल की चीजें नहीं है लेकिन मेरे यार ये समझ में नहीं आ रहा चेस्ट के लिए होना चाहिए वैसे छोड़ो चार दिन बाद समझ में आ जाएंगे ओके चलो दिस इज फर्स्ट शोल्डर और आपके बॉडी वेट से यहाँ पर वर्कआउट हो जाएगा ये चेस्ट के लिए अरे ये शोल्डर के लिए नहीं और ऊपर जाता तो शोल्डर के लिए होता अरे इसमें बढ़िया वर्कआउट हो रहा है यार इसमें प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा पंप आएगा बॉडी में ऐसा लग रहा है मेरे को अबे ये भी शोल्डर नहीं है यार विनू या हाइट बढ़ाने के लिए बैक के लिए बैक पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि ऐसा ऊपर लिफ्टिंग होता तो शोल्डर के लिए होता है और बैक दिख रहा है बैक दिख रहा है क्या क्या बात कर रहा है जब मालूम था आपको अपन यहाँ पे आ रहे तो गिम्बल लेके आना था गिम्बल से शॉट ले लिए रहते दो तो तेरा सिनेमाटोग्राफर तू तेरा हाथ ही गिम्बल है बिनू टनी पे आज दिख रहा है आपके तो अरे दिखेंगे न्यूयॉर्क में फिर से बनाएंगे ना डिप्स मार रहे क्या चेस्ट के लिए होता क्या कर रहे हैं नहीं लेग्स मार रहे हैं ये लेग्स के लिए है जैसे लेग प्रेस होता है सेम वे में यहाँ पर बढ़िया यार फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है यहाँ पर तो फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है ये तू क्या कर रहा है अब आए पतला तो हो जाएगा तू पतला हो जाएगा अब आए तो कुछ करके ही जाएंगे क्या बात है जल्दी 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 ये 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 टूट जाएगा मैं करूंगा तो अभी उल्टा भी जा रहा है नहीं अपने आप हो रहा है क्या हां उल्टा भी जा रहा है अरे ये तेरे लिए बनानी है दूसरा वाला वो दौड़ ले आराम से बहनो अब दौड़ ले स्पीड में हवा में उड़ रहा है फ्लाई लैप्स अरे मजा आ रहा है क्या और ये अच्छा है मजेदार है ये मजा आ रहा क्या बात है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तू भी वर्कआउट कर रहा है साल भर करेगा भी वर्कआउट समझ गया क्या बात है हीरो ये कर पाएगा तू ये क्या कर रहा है तू कैसे करते इसको भाई थोड़ा सा हाँ ले नीचे तो जा ऐसा थोड़ी है अपने से नहीं हो पाई इतना इजी होता तो सब नहीं कर लेते क्या सब एनीरा बन जाते फिर समझा थक गया मैं आज का वर्कआउट हो गया लास्ट कौन सा क्या बात है वीनू तेरे को तो मोटिवेशन आ रहा है कम ऑन स्पीड में करना स्पीड क्या बात है ये अरे वीनू तेरा ऐप दिख रहा पता है क्या जगह लेकिन जो भी फिटनेस मेंटेन करना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा है वैसे थोड़ा बहुत पंप तो आई है आया क्या देख आया क्या गोले दिख रहे क्या देखना कुछ नहीं अरे दिख रहा है अरे आप लोग बताना कि ठीक ठाक दिख रही है कि नहीं बॉडी तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं बिकॉज भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा और मेरे को और विनू को भीड़ से बहुत बहुत डर लगता है हम लोगों को ऐसी कोविड भीड़ में खेलता एनीवेज चलते हुए स्टोर पे फिर चेंज करके कॉफी भी चाय पीते हैं यार चलो लेट्स गो ऑलराइट सो नए साल में विनू मुझे कॉफी पिलाने वाला है ऐसा बोल रहा है विनू मतलब तू चाहता है कि साल भर मेरा कॉफी पिला आप चाहते क्या हो मैं आज कॉफी पिलाऊंगा साल भर कॉफी पिला ऐसा तो नहीं चलेगा अर्जुन और एक बात अरे मेरा फोन नहीं लाया मैंने ऑलरेडी आपको कॉफी पिला चुका है अरे नहीं तूने नहीं पिला मैंने नहीं सही नहीं, नहीं नहीं सही में नहीं लाया लुक लेके अब आंख पे चढ़ाएंगे
मैं स्टोर तक पहुंच गया फोन लाने के लिए, लेकिन मेरा फोन ये लाइट लगा हुआ था। मैंने बोला मैंने बोले तेरे साथ भी एक बार पहले हो चुका था सर, फोन ढूंढ रहा था पूरे गाड़ी में लेकिन था वहां पर अटका हुआ बिकॉज लाइट नहीं आती। विशाल विशाल क्या भूल गया था ना। तू एक बात बता, तेरे को पता था ना फोन यहाँ लगा हुआ, तो जबरदस्ती मेरे को जाने दिया, शॉप तक जाने दिया, पूरा पैदल पैदल गया। नहीं तो ऐसा होना चाहिए ना, आज अगर आप जा रहे हो भूल रहे हो तो हमेशा ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा ना। सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तू मेरे को साल भर कॉफी पिलाएगा, तू साल भर ऐसे गाड़ी चलाएगा, ठीक है सब चीजें। वाह तू तो रईस हो गया, रईस हो गया भाई साहब, मीनू कॉफी भी पिला रहा है। मेरी लॉटरी लगी है। लॉटरी खराब कर रहा हूँ, काम कर रहा है। कोविड होने के बाद तेरे को लॉटरी लग गई तेरी, करोड़पति बन चुका हूं। कैसे कोविड फैला के चाइना वाला ने पैसे दिए गए तेरे को? तो चलिए जाके कॉफी पी के आते हैं यार, एक कॉफी की सख्त जरूरत है, थक गया हूं मैं वर्कआउट कर कर के। इतना वर्कआउट कर लिया है जम के थकावट हो गई। जल्दी चलो पुलिस वाले पकड़ लेंगे नहीं तो। दोनों कुकी तू खाएगा? आपकी कुकी मेरी, मेरी कुकी आपकी। तो मान कटाई है, क्या बात कर रहे? लाइट कम हो गया, लाइट कम हो गया, ज्यादा देर टाइम पे बुरा हो जाता है, आज काला हो रहा है मेरा कैमरा। सही है, साल में सुधर गया कैमरा। उसका वाला कैमरा नहीं वाला है, नजर का नहीं। क्या कर रहे हैं? शुगर फ्री बाबा, शुगर फ्री डालोगे तो जीवन भर शुगर फ्री। शुगर फ्री में पीते वैसे भी, स्टीविया में भी। क्रीमी कुकी, क्रीम कुकी, क्रीमी कुकी, कुकीज एंड क्रीम, कुकीज एंड क्रीम। स्वाद आएगा बता दे। मुझे भी बन गई, क्या बात कर रहे? ऑलराइट गाइस, सो आज तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत पॉजिटिव चीजें हम लोगों ने किया। तेरे को पता क्या, जैसे मैं रात को मेडिटेशन किया था ना, तो मैं आज दिन में ही मेडिटेशन किया, सुबह सुबह साल भर मेडिटेशन करेंगे, कार्डियो किया, वर्कआउट किया, कॉफी पिया, मतलब तूने पिलाया है कॉफी, तो इससे क्या होगा, साल भर तू पिलाएगा, गाड़ी भी तूने चलाया, ठीक है। लेकिन एक चीज तूने नहीं की, मेरी फोटो खींच के नहीं दी साले, तो साल भर नहीं खींचेगा। एनीवेज, अगर आप लोगों ने भी न्यू ईयर में कोई रेजोल्यूशन लिया हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बिकॉज हम लोग सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए। तूने कुछ लिया है क्या रेजोल्यूशन? हाँ, क्या? जिम मारना मैंने। तो साल भर तो जिम मारेगा और ये साल के एंड तक विनू के भी सिक्स पैक एप्स आ जाएंगे। एनीवेज, वीडियो को यही खत्म करते हैं। डायलॉग तो बोल। I know बहुत सारे लोग, अरे यार।